हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आपका कक्षा 10वीं गणित के इस वीडियो लेक्चर में। आज हम देखेंगे इकाई 1 बीजगणित के अंतर्गत अध्याय 1 बहुपद के प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न क्रमांक 11 एवं 12 के हल को। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो से कुछ समझ आए तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मेरा नाम है सदानंद प्यारे, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न क्रमांक 3 से। प्रश्न क्रमांक 3 क्या बोलता है, यदि किसी आयत का क्षेत्रफल 45x^2 + 30x^2 तथा उसकी चौड़ाई 15x मीटर है, तब लंबाई क्या होगी। ठीक है, अब इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है चलिए समझिए। तो अपन को क्या करना है, सबसे पहले तो हल लिख लेना है, ठीक है, पेस कीजिए, फिर उसके बाद लिखिए दिया है अल्पविराम आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल अपन को दिया हुआ है तो हम उसको लिख लेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर 45x^2 + 30x^2 मीटर। देखो यहाँ पर इकाई दिया है तो इकाई को भी हम लिखेंगे, है ना। और चूंकि 45x^2 + 30x एक बहुपद है, ठीक है, तो क्यों ना हम इसको एक कोष्ठक में रख लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद तथा आयत की चौड़ाई बराबर 15x मीटर, ओके। अब देखो यार, अपन को पता है कि आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, यही होता है। अब यदि यहाँ पर अपन को लंबाई चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, चौड़ाई को दूसरे साइड में भेजना पड़ेगा, और यहाँ पर गुना हो रहा है तो दूसरे साइड में जाके क्या करेगा, भाग करेगा। मतलब कि लंबाई बराबर क्षेत्रफल भागित चौड़ाई, ठीक है, क्षेत्रफल बटे चौड़ाई, मतलब क्षेत्रफल भागित चौड़ाई, मतलब कि यहाँ पर जो हमें ये क्षेत्रफल दिया है उसको चौड़ाई से भाग देना पड़ेगा, ठीक है, सिंपल है ना। तो यहाँ पर आगे क्या करना है चलिए देखिए। तो चूंकि आयत की लंबाई बराबर आयत की क्षेत्रफल भागित आयत की क्या भाई, तो थोड़ा सा छोटा करते हैं, आयत की चौड़ाई, ठीक है, तो ये होता है भाई क्या है, आयत की क्षेत्रफल भागित आयत की चौड़ाई। यहाँ पर मैंने बटा का चिन्ह यूज नहीं किया है, ठीक है, क्यों नहीं किया है, देखो यहाँ पर 45x^2 + 30x ओके भागित 15x। तो यहाँ पर इस तरीके से अपन को चीजें स्पष्ट हो, इस कारण से मैंने यहाँ पर भागित का चिन्ह इस्तेमाल किया है, बटे का चिन्ह इस्तेमाल नहीं किया है, ठीक है। तो इसके आगे क्या करना है चलिए देखिए, अपन को करना क्या है, जो क्षेत्रफल वाले बहुपद है ना, उसको चौड़ाई वाले बहुपद से भाग देना है। तो ऐसे भागित का चिन्ह लगाइए, ठीक है, यहाँ पर भाज्य के स्थान पर जो क्षेत्रफल वाले बहुपद है उसको लिख लीजिए, ठीक है, और भाजक के स्थान पर जो चौड़ाई वाले बहुपद है उसको लिखे। अब अपन को पता है
कि ये वाला जो 15x है इसको अपन को 45x घात 2 के बराबर बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो ये संख्या दिया है ना उसको 45 बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर जो ये 15 दिया है उसको 45 बनाएंगे। तो 15 में क्या का गुना करोगे तो 45 होता है, 15 में 3 का गुना करने से 45 होता है। तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 3 15 दिया 45, चलो भैया 45 तो आ जाएगा। ठीक है, अब x में क्या का गुना करोगे तो x की घात 2 होता है। तो देखो x में x का गुना करोगे तो x की घात 2 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर क्या आ गया, 3x आ गया है ना। अब देखो 3 और 15 को गुना करोगे तो क्या होता है, 45 होता है। x और x को गुना करोगे तो क्या होता है, x की घात 2 होता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लाइन खींचेंगे और अपन को पता है जो कि यहाँ पर घटाना संक्रिया होता है, इसलिए जो नीचे में जो 45x2 है जो कि धनात्मक पद है वो क्या बन जाएगा, ऋणात्मक पद बन जाएगा और एक दूसरे को ये क्या कर देंगे, कैंसल आउट कर देंगे। ठीक है, तो बचेगा क्या, यहाँ पर धन 30x है। ये जो धन 30x है इसको हम क्या करेंगे, नीचे में उतारेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब 15x में क्या का गुना करोगे तो धन 30x का आएगा। तो इसका आंसर है, सबसे पहले तो धन, क्योंकि ये जो 15x है वो कैसा है, धनात्मक है। ठीक है, और उसके बाद 15 दूनी 30 होता है तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2। क्या लिख देंगे, 2। तो 15 दूनी 30 और यहाँ पर x पहले से है तो अलग से यहाँ पर x लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा भाई, 15x गुणित 2 करोगे तो 30x। उसके बाद यहाँ पर लाइन खींचो और चूंकि यहाँ पर घटाना की संक्रिया होगा, ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, और एक दूसरे को कट कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। पर जो ये भागफल है यही हमारा क्या है, आयत की लंबाई है। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पर नीचे में लिखेंगे, अतः आयत की लंबाई बराबर, एक बार देख लेते हैं क्या आया भाई, 3x धन 2। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 3x धन 2 और इसको कोष्ठक में रखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे मीटर। ठीक है, यदि हम इकाई नहीं लिखेंगे ना यार, तो ये जो आंसर है ना वो अधूरा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऐसा लिखेंगे और यहाँ पर ये आंसर कंप्लीट होता है। देखो यार, आपको इस वीडियो को देखने से कुछ सीखने मिल रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न चलिए देखते हैं, इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 12। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 12 क्या बोलता है, 28x इकाई लंबाई का एक रेखाखंड AB है जिसे दो बराबर भागों में बांटना है। कितने बराबर भाग में बांटना है, दो बराबर भाग में बांटना है। ठीक है, तब प्रत्येक भाग की लंबाई क्या होगी। ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा प्रश्न है ना, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखिए। सबसे पहले हम हल लिख लेते हैं, फिर उसके बाद डेज और फिर दिया है, रेखाखंड AB की लंबाई, रेखाखंड AB की लंबाई बराबर 28x इकाई। अब देखो जैसे अपना सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर ऐसा कुछ होता है ना, उसी तरीके का नाम दे दिया गया है इकाई, क्योंकि यहाँ पर पर्टिकुलर बताया नहीं गया कि ये सेंटीमीटर है या मीटर है, तो उसके जगह इकाई लिख दिया। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब दो बराबर भाग बराबर भाग में प्रत्येक की लंबाई बराबर AB की लंबाई बटे 2।
ठीक है। यहाँ पर ए बी क्या है, रेखाखंड है जिसकी लंबाई अपन को कितना दिया है 28 एक से इकाई दिया है, ठीक है। और इसको अपन को दो बराबर भाग में बांटना है, मतलब कि इसको दो से भाग देना है, ठीक है। तो अपन को कितना मिल जाएगा, देखो यार यहाँ पर जो ये संख्या दिया है ना 28, ये 28 दो से भाग जाएगा, ठीक है। और ये एक से रहेगा। अब ये कैसे होता है थोड़ी देर में समझेंगे, फिलहाल 2 × 1 = 2 और 2 × 14 = 28, तो यहाँ पर आ गया आपका 14 × 1, ठीक है। और यहाँ पर लिख देंगे इकाई, क्योंकि ये लंबाई है, लंबाई का कुछ ना कुछ तो इकाई होना चाहिए, और चूंकि यहाँ पर इकाई नहीं बताया है तो यहाँ पर हम लिख देंगे इकाई। तो इस तरीके से इसका आंसर कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर सिर्फ 28 को हमने भाग दिया, ठीक है, x का तो कुछ किया ही नहीं है ना। तो इसको कुछ इस तरीके से समझिए, सपोज आपके पास 4 आम, ठीक है, और इसको आप क्या कर रहे हो, दो लोगों में बांट रहे हो, ए और बी दो लोग हैं, ठीक है, और इनको बांट रहे हो, तो कितने आम मिलेंगे भाई, 2 आम इसको मिलेगा और 2 आम इसको मिलेगा, ठीक है। अब ये कैसे प्राप्त हुआ, जब 4 को हम 2 से भाग देंगे तो अपन को मिलता है 2 आम, ठीक है। तो ये कुछ उसी तरीके का है कि यहाँ पर 28 एक से, मतलब 28 क्या है भाई, उसकी संख्या है, 28 क्या है उसकी संख्या है, और x क्या है उसका नाम है। तो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि x टोटल कितने हैं 28 है, x टोटल कितने हैं 28 है, और इसको दो बराबर भाग में बांटोगे तो ये 14 14 बराबर भाग में बटेगा, मतलब कि 14 x दो बराबर भाग में बटेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, ठीक है, इस वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा तो इसको लाइक जरूर करना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और देखो यार पूरा वीडियो को देखा करो, है ना, आधा अधूरा देखोगे तो क्या सीखने मिलेगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।